सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मां। ओके सो गाइस, कैसे व्हाट्सएप लेकर आज की वीडियो में सिखाने वालों कि आप एक स्त्री की वीडियो ऐसे बना सकते हो। गाइस जो वीडियो है ना इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी वायरल चली गाइस, और जो साउंड गाइस ये भी यार काफ़ी वायरल चला। इस साउंड में गाइस इस तरह की फोटो सेव वाली वीडियो यार काफ़ी वायरल चली। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की फोटो की वीडियो बनाओगे ना आपकी वीडियो भी यार अमेजिंग यार, अगर आप इसे रील्स पर अपलोड करोगे तो गाइस वीडियो में लाइक और व्यूज़ आने वाले। उससे पहले गाइस आपको वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी घंटी का निशान है उससे आपको ऑल पे प्रेस है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो गाइस क्या करो यार, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे अपने भाई को। यार वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है बीटसिंग्स। आपने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना इस ऐप को। ओके, डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करना और इस ऐप के यहाँ पर नॉर्मल सा इंटरफेस है और एक ऑप्शन से होगा गाइस जब प्लस का आइकन क्लिक करना और आपके जो फोल्डर है फोटोज़ ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी, आप जिस फोटो की स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उन फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो मैं कुछ फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। गाइज मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया और साइड में एक ऑप्शन से होगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज कुछ टैंपलेट शो कर रहे। ओके, तो आपको मूव करना है। ठीक है, मूव करने के बाद एक टैंपलेट शो कर रहा है यहाँ पे, कॉल मी डीजे, आपको कॉल मी डीजे सेलेक्ट करना है। ओके, तो गाइज देख लीजिए फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुका और अब इस वीडियो में साउंड ऐड करना है, म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, म्यूजिक के हिसाब से इस इफेक्ट को सेट करना है। ओके, तो हम सेट कर लेते हैं। साइड में एक ऑप्शन शो कर रहा है म्यूजिक का आइकन, ठीक है क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज कुछ म्यूजिक शो कर रहा है। ठीक है, आपके मोबाइल में जितने भी साउंड गाइज यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, आपने एक साउंड डाउनलोड कर लेना है जो रील्स पे काफ़ी वायरल चल रहा है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस साउंड का। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना उस साउंड को, म्यूजिक को। ओके, और अब उस साउंड को यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर एक ऑप्शन से पूरा सर्च क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर गाइज आपको सर्च कर लेना है सच देखी ये है लाखों के। तो गाइज मैंने सर्च किया और गाइज देख लीजिए यहाँ पर साउंड आ चुका है, आपको साउंड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना। ओके, और गाइस देख लीजिए साउंड के हिसाब से इस वीडियो में से एक इफेक्ट ऐड हो चुका, आपने इस तरीके से ऐड कर लेना है। और गाइस आपको वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है। अगर आप इस तरीके से वीडियो एडिट करोगे ना अपनी खुद की गाइस साउंड अपने आप सेट हो जाएगा। ओके, तो आप इस वीडियो को सेव कर दे। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन होगा सेव क्लिक करना है ना, और कुछ क्वालिटी शो कर रही है लो मीडियम हाई। ठीक है, आप क्वालिटी सेलेक्ट करके अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप इस ऐप से अपनी वीडियो सेव करोगे ना गाइज ये ऐप अपना वाटरमार्क मारेगा। तो गाइज इस ऐप का वाटरमार्क हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है मैं बैक कर दूँ। और गाइज यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, काइन मास्टर का एक ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, आपने काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपके फ़ोन में काइन मास्टर का ऐप डाउनलोड होना चाहिए न्यू वर्जन का। ठीक है, और तो हम काइन मास्टर में क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है गाइज देख लीजिए काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन हो चुका और गाइज यहाँ पर ट्रांजिशन फोटो और म्यूजिक आ चुका है हमारे काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम गाइज शेयर करोगे ऐप से, ठीक है, तो एक ऑप्शन आएगा ओके। ठीक है, आप ओके करके फोटो और जो सेक इफेक्ट है, ठीक है, और म्यूजिक गाइज आपके काइन मास्टर में अपने आप ऐड हो जाएंगे। ओके, तो गाइज देख लीजिए आ चुके हैं। तो इस वीडियो को सेव करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करना है और क्वालिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी।